हेलो फ्रेंड्स, अगर आप वेब स्टोरी बनाते हो और आपका एएमपी इशू आ रहा है, अगर आपने पहले कभी एएमपी यूज़ किया हुआ है अपने वेबसाइट पे, या फिर आप जो है एएमपी का कोई ऐसा इशू आ रहा है कोर वेब वाइटल्स में जो इशू आ रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इशूज़ के बारे में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने अगर कभी एएमपी यूज़ किया होगा और उसको रिमूव कर दिया होगा, या फिर आप एएमपी भी यूज़ कर रहे हो और वेब स्टोरी भी यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको आपके कोर वेब वाइटल्स जो होते हैं, कोर वेब वाइटल्स का जो यहाँ पे ऑप्शन होता है, इसमें आपको जो है इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, एलसीपी इश्यूज हो गया या फिर और भी कोई इशू आ जाता है, तो वो जनरली इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो एएमपी जो आपने यूज़ किया हुआ होता है उसकी वजह से होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपका वेब स्टोरी जो है वो ऑलरेडी एएमपी पे ही होस्टेड है, जो कि गूगल ने आपको जो वेब स्टोरीज का जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उसको एएमपी पे होस्ट करके ऑलरेडी दिया हुआ है, वो एएमपी पे चलता ही है। तो उसके अलावा अगर आप किसी और एएमपी प्लगइन का यूज़ करते हो तो वो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा भी ये जो गूगल सर्च कंसोल में ये इशू आया हुआ है, क्योंकि मैंने 3-4 दिन पहले एएमपी को इंस्टॉल किया था और उसकी वजह से ये इशू आया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्कवर ऑप्शन मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे 830 इंप्रेशंस है, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो डाउन इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो डाउन जाना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो मैंने आज ही इसको सॉल्व किया है, मैं आपको इसको पूरा प्रोसेस बता देता हूं। तो जैसे कि कोर वेब वाइटल्स में आप जाओगे तो यहां पे आपको मोबाइल वाला ऑप्शन जो है और डेस्कटॉप वाला ऑप्शन है, तो आप देखो कि डेस्कटॉप वाले ऑप्शन में कोई खास जो है प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, लेकिन जो मोबाइल का ऑप्शन है यहाँ पे आप देखोगे 19 पुअर URL है, 8 URL नीड इम्प्रूवमेंट्स। तो इसमें आप ओपन रिपोर्ट करोगे, रिपोर्ट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको जो है ये आपको इशू दिखेगा। इस इशू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है आपको ये वाला लिंक दिख जाएगा। तो ये लिंक आप देख सकते हो और इसी तरह के सिमिलर जो है 19 URLs हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सेम यहाँ पे AMP पेज वाला ऑप्शन है, वेब स्टोरीज में ये प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पे आप देख सकते तो कि सिमिलर जो URLs हैं इतने सारे। तो इसको अब सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपको जो है अपने डैशबोर्ड, अपने जो वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उस पर चले जाना है और वहाँ पे जा करके आपको जो है प्लगइन से आप अपने AMP के प्लगइन को पूरा जो है वो रिमूव कर दोगे। ठीक है, पूरा AMP का जो प्लगइन है उसको पूरा रिमूव कर दोगे, अगर अपने यूज कर रहे हो आप तो, अगर नहीं कर रहे हो पहले से कर चुके हो तो, अगर तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि पहले से अगर आप कर चुके हो तो कैसे करना है। तो अगर आपने अभी भी यूज़ कर रहे हो तो उस पहले सारे AMP वाले जितने भी प्लगइन्स हैं उसको आप रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है कि अपना जो होस्टिंग है उस होस्टिंग पे जाना है और वहाँ पे आपको जो फाइल मैनेजर है उसको एक्सेस कर लेना है। हर एक होस्टिंग में फाइल मैनेजर होता है। ठीक, उस फाइल मैनेजर को आप जो है ओपन कर लोगे, वो भी अगर आपका शेयर्ड होस्टिंग है तो VPS होगा तो आप वो फाइल जिला और उससे आप करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा भी शेयर्ड होस्टिंग है तो यहाँ पे आप देखोगे तो फाइल मैनेजर पे आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपको पब्लिक HTML का ऑप्शन आएगा। इस पब्लिक HTML का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपका जो वेबसाइट होगा वो पूरा ओपन हो जाएगा, उसके में जो भी फाइल्स होंगे। तो यहाँ पे जो फाइल्स ओपन हो गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फाइल पूरा ओपन हो गया है, इतने सारे फाइल्स हैं। इन फाइल में से आपको जो है वो .htaccess वाला जो फाइल है इसको आपको एडिट कर लेना है। ठीक, तो इस फाइल को आप ओपन कर लोगे तो ये .htaccess वाला फाइल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है कि 2 लाइन का कोड है, उस कोड को आपको यहाँ पे डालना है। तो अब वो कोड आपको कहाँ से मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको ओपन करोगे एक आर्टिकल मिलेगा, उस आर्टिकल में ये दोनों कोड आपको दिए रहेंगे। अगर आपको नहीं उसके अलावा आप चाहो तो गूगल पे जा करके डायरेक्ट जो है वो सर्च कर सकते हो कि हाउ टू रिमूव AMP प्लगइन एरर ओलिव माइन करके लिखोगे तो आपको आ जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा जो है, उसके ब्लॉगिंग सेक्शन में जा करके आप जो है वहाँ से उस आर्टिकल को एक्सेस कर सकते हो। बाकी ये जो 2 लाइन का कोड है वो यहाँ पे आप देखो कि मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है और यहाँ पे री राइट इंजन ऑन जो है,
रीराइट इंजन ऑन जो कोड है उसके जस्ट नीचे आपको ये दो लाइन का कोड जो है वो आपको पेस्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे इस कोड में अगर आपको मैं थोड़ा सा इस कोड को समझाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले लाइन में AMP का है और दूसरे लाइन में R यानी रीडायरेक्शन इज इक्वल टू 301। इसमें क्या है कि अब ये कोड लगाते हैं इसलिए है क्योंकि आपका जब होता क्या है कि AMP जब आप यूज करते हो तो आपके जितने भी लिंक्स होते हैं उसके दो वर्जन बन जाते हैं, एक डेस्कटॉप के लिए और एक मोबाइल के लिए। और मोबाइल वाला जो भी वर्जन बनता है उसमें हर एक लिंक के लास्ट में AMP लग जाता है, तो वो लिंक अलग हो जाता है और डेस्कटॉप का लिंक अलग हो जाता है। तो उसमें होता क्या कि वो जब वो AMP वाले लिंक जो है वो गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स हो गए होते हैं तो फिर क्या होता है कि वो अलग अलग लिंक बन जाता है। और जब आप जो है AMP को हटा देते हो तो आपका वो एक्चुअली होता क्या है कि AMP जब हट जाता है तो और अगर ऑलरेडी जो है लिंक इंडेक्स्ड है तो उसमें क्या होता है कि जब कोई उस इंडेक्स्ड लिंक पे जब फिर बाद में कोई यूजर आता है तो वो वहाँ पे 404 का एरर आ जाता है, ठीक है। तो और वो जो है वो निगेटिव SEO हो जाता है, मतलब गूगल उसको पसंद नहीं करता। तो इसीलिए आपको करना क्या होता है कि सारे AMP वाले जो पेजेज हैं उसको आपको 301 रीडायरेक्ट लगा करके अपने होम पेज पे लाना होता है। तो उसके लिए ये जो दो लाइन का कोड है वही काफ़ी है, एक एक लिंक को आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक एक लिंक को आप पकड़ के अगर आप करना चाहोगे कि आप एक एक लिंक को होम पेज पे रीडायरेक्ट करें तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा और नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको जो है अपने .sta एक्सेस वाले फाइल में ये दो लाइन का कोड जो है वो आपको डाल देना है और इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे फिर आपको सेव और क्लोज कर देना है, फिर आपको अपने गूगल सर्च कंसोल में जाना है, उसके बाद यहाँ पे आकर के आपको फिक्स वैलिडेशन कर देना है, ठीक। इस तरह से आपका जो है वो एरर सॉल्व हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी AMP की। बाकी बहुत सारे लोग ये इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं कि वेब स्टोरी के लिए AMP जरूरी है या नहीं। तो AMP बिल्कुल जरूरी नहीं है क्योंकि वेब स्टोरी ऑलरेडी AMP होस्टेड है, ठीक है। अगर आप वेब स्टोरी का ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि ये AMP होस्टेड वेब स्टोरी है, ठीक है। उसके अलावा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस तरह की तो आप जो है मुझे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ के सबको लिंक जो है आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक बार चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।